गाइस लॉयलिज्म में टास्क तो आज तक मैंने बहुत सारे किए एंड उससे जो है सर्वर का भला ही हुआ है आज तक। लेकिन क्या होगा अगर आप लोगों को मैं बताऊं, अभी जो अगला टास्क मैं करने जा रहा हूं वो जो कोई नॉर्मल टास्क नहीं है एंड ये जो है स्टार्ट करेगा लॉयल एसएमपी का डाउनफॉल। लेकिन किसी टास्क से लॉयल एसएमपी का डाउनफॉल कैसे हो सकता है, तो ये चीज समझाने के लिए मेरे को सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि बल्कि से मेरे को इस चीज के बारे में कैसे पता चला। तो गाइस मैं आज आप सबको हिट पॉप वीडियो कन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ एंड इसमें अगर आप टूल बॉक्स में जाओगे इसको इंस्टॉल करने के बाद लॉग इन करने के बाद तो आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा। यहाँ से अगर आप क्लिक करके इसको कर लोगे इंस्टॉल, इससे देखो मेरे पास कितने इजीली इतने सारे ऑप्शंस आ गए कि मैं कितना इजीली जो है सारी चीज सिलेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपना स्क्रीन। तो बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है एंड इसमें सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग चीज तो है हिटपो का ये वीडियो कन्वर्टर, जो कि लिटरली आप इसमें से कोई भी एक वीडियो के फॉर्मेट को चूज करो, चाहे वो MKV हो या फिर कोई भी फॉर्मेट हो, आप इसको लिटरली कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी चीज पे। लाइक इधर देखो कि कितने सारे ऑप्शन है, नॉट ओनली टाइप्स, इधर क्वालिटीज देखो, मैं चाहूँ तो इसको 4K में कन्वर्ट कर सकता हूँ लिटरली। भाई साहब दिस इज लिटरली गेम चेंजिंग एंड इसमें इतने सारे खतरनाक ऑप्शन आते हैं ना कि आपको जो है अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग चीजों के लिए आप जो है डायरेक्टली इधर प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं, यूट्यूब के लिए प्रीसेट मिल जाता है, तो क्यों नहीं आप लोग इसको यूज करो। जल्दी से जल्दी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जाओ और इसे डाउनलोड करो। यो DX, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है ब्रो? ब्रो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो देख, I will get straight to the point। हमारे सर्वर में एक चीज आ चुकी है जिसको मैं कहना चाहता हूँ, the dark task place। ओह, ओके। एंड ये एक ऐसी जगह है या फिर एक ऐसा बंकर है जहाँ से हम जो है कुछ इलीगल टास्क ले सकते हैं, बदले में हमें काफी अच्छे खासे अमाउंट एंड सरप्राइज गिफ्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो टास्क कर रहा हूँ जो करंटली जिसमें मेरे को तेरी भी हेल्प चाहिए, उससे मेरे को मिलने वाले 1,00,000 रुपए प्लस एक सरप्राइज गिफ्ट। तो अमाउंट इज क्रेजी ब्रो। ओह डैम भाई, 1,00,000 रुपए एक टास्क के भाई, अपने बैंक में साला 1,000 मिलता है, बकवास है भाई, लेके चल मुझे कहाँ पे मिलेगा? लेके चलता हूँ पूरी डाकू बैंक पैसे छापेगी। देख भाई मैंने तो ये टास्क लिया है अपने रिस्क पे, तेरे को भी अपने रिस्क पे लेना पड़ेगा। मैं तेरे को वहाँ पे लेके जा सकता हूँ उस जगह पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तेरे को कुछ रूल्स बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने एस्टैब्लिश करे हैं लेकिन अच्छा रहेगा अपने लिए। पहला रूल है, तू वो टास्क लेके आएगा वो टास्क तेरे को अकेले लेना पड़ेगा, मैं तेरे साथ वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम दोनों साथ में उस जगह पे दिखे तो जो बंदा हमें टास्क दे रहा है फिर पैसे दे रहा है वो शक की निगाहों से देख रहे थे, यू नो सस्पिशियस नहीं हमें किसी का, ना हमें पैसे कमाने। ऑब्वियसली भाई 1,00,000 की बात है डार्क टास्क है, तो अपने हिसाब से एकदम चलना पड़ेगा। और सेकंड और सबसे मेजर रूल, ये चीज हम एक या दो बार ही करेंगे, पैसे लेने हैं अंदर और अपने क्राइम्स को दबा देना है, ठीक है, पैसे अंदर। सही बात है, किसी को पता नहीं चलना है। सही बात है, किसी को पता चलना चाहिए, ठीक है, तो मेक श्योर किसी को पता चले, जिस पैसे लेने हैं निकलना है डार्क टास्क वाली चीज से फिर दूर चले जाना है, ठीक है, दैट इज द प्लान। सो आर यू रेडी? रेडी हूं ब्रो, लेके चल यार पैसे कमाने मुझे। चल आजा, फॉलो मी ब्रो, Yes, let's go. Okay, DX, देख, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, देख, अब देख मैं जो है इस लाइन पे आ जा, इस ब्लॉक पे आ जा, ये स्ट्रेट आ गया। इस लाइन से तू स्ट्रेट चलेगा ना, स्ट्रेट चलेगा, तेरे को वहाँ पे स्ट्रेट जाना है, कहीं नहीं मुड़ना, स्ट्रेट यहाँ से जाएगा ना इस लाइन से, तेरे को वहाँ पे नीचे में टास्क मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं दिख रहा। ओके, ठीक है। एंड मैं तेरे को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी DM में भेज देता हूँ, ठीक है? ऑलराइट। यस, डू इट योरसेल्फ ब्रो, बाय। ओके बाय ब्रो, बाय, थैंक यू। एंड चलो गाइस, लगता है ये टास्क हमें माला माल कर सकता है, तो चलते हैं। कहाँ पे होगा ये चीज? यही कहीं पे। ओह वेट अ सेकंड, इधर कुछ तो है। ओह माय गॉड, ये है वो जगह जहाँ पे टास्क मिलता है। ओके सो फाइनली गाइस, मेरे को अपना टास्क लेना है एंड इस बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, सो हियर वी आर। ओके सो गाइस, मेरे को मेरा फर्स्ट टास्क जो है मिल चुका है एंड ऑलराइट, ये है मेरा टास्क, डार्क टास्क 8। वेट अ सेकंड, इसका मतलब और भी लोगों को टास्क मिला, ऑब्वियसली बल्कि को टास्क मिला था, मेरे को उससे जाके भी उसका भी टास्क देखना, उससे भी टास्क में पूछने वाला हूँ। एंड यू हैव टू बिल्ड, यू हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स। अच्छा हाँ, मैंने बहुत सारे बिल्ड्स बनाए हैं SMB में। इसका ऑपोजिट करना है एंड बिल्ड अ डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो। हाँ Wait, what? And payment is 1.5 lakh. Oh my God! भाई इतना अच्छा पेमेंट है तो मैं फॉल करूंगा, मैं तो कुछ भी बनाने के लिए तैयार हूँ यार। गाइस चलो यार अभी काम पे बढ़ते हैं यार, अभी तो हाँ वॉल्केनो ही तो बनाना है, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनो बनाना है, मतलब ये जो है एकदम
एडमिन से मेरे को नहीं लग रहा है ये सब टास्क आता है, क्योंकि ये लोग ऑपोजिट करना चाहते हैं। लाइक मैं ये नहीं चाहते कि मैं ब्यूटीफुल बिल्ड बनूं, ये चाहते कि मैं कोई डिस्ट्रक्टिव बिल्ड बनाऊं। एंड टास्क वन, वेट अ सेकंड, इसका मतलब मेरे को एक और टास्क मिला है। वेट, एक और पेज है, लेकिन एक काम करते हैं, ये टास्क मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। सो लेट्स गो, पहले ये टास्क को कंप्लीट करते हैं। बल्कि सुन, तेरे को जो ये टास्क मिला है मेरे को दिखा सकता है? तेरे को जो टास्क मिला था ये ना, और ये तेरे को अभी तक एक ही टास्क मिला है, क्योंकि टास्क 7 लिखा था उसके ऊपर। अब ये अरे बाकी लोगों को भी टास्क मिला है ना, तो मे बी ये 7वां टास्क हो। आई डोंट नो भाई, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसके बाकियों को भी ऐसा टास्क मिल रहा है, किस किस को मिल रहा है ऐसा टास्क? आई डोंट नो। अरे यार एक तो ना देख, कोई भी बुक बंदा जब साइन करता है ना, तो लिखा आता है वो बाय बल्कि सारे इट्स डीएक्सटी। इसका बाय देख, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई मोर्स कोड भी नहीं है। मैंने क्रैक करने की कोशिश करी, जस्ट नहीं, बुक के ऊपर हवर कर, बुक के ऊपर हवर कर एज आइटम। ओके हां, बस डार्क टास्क 7 लिखा है, लेकिन हां वही तो नहीं, जस्ट डायमंड पिक एक्स के ऊपर तू अपनी एरो लेके जाएगा, तो एन्चेंटमेंट दिखती है ना ऐसे। अच्छा, ये मैंने क्रैक करने की कोशिश करी, कुछ मीनिंग नहीं है इसका। क्या रैंडमली डाला है क्या, क्या लग रहा है तेरे को? लेके ऐसे पर रैंडमली कैसे डाल सकता है? जो बंदा बुक साइन करता है उसका नाम आता है वहां पे, इस जो इस बुक पे नाम है उसका नाम, तो प्लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वही तो, ऐसा तो कोई प्लेयर होना ही नहीं चाहिए। देख यार, डीएक्स इस पे जो टास्क लिखा है ना ये, और इसके ऊपर जो नाम लिखा है, यहाँ पे ऐसा नाम सिर्फ इसी बंदे का आ सकता है जिसके पास ऑपरेटर हो सर्वर का, या फिर वो एडमिन हो। लाइक जो बंदा बुक को साइन करता है उसका नाम आता है यहाँ पे, लाइक बाय बल्कि सर बाय डीएक्स पे, लेकिन ये सेमी कोलन वगैरह ये सब लिखा है। ये तो सही बोला तूने, लेकिन ये ऐसा आ रहा है तो फिर लाइक कैसे ये एडमिन से हो पाया? बड़ा बड़ा सस्पिशियस है ये चीज। मैं भी थोड़ा देखता है इसके बारे में, मैं थोड़ा इस चीज पे ना थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है मेरे को। तो इसके डिटेल में जो है हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले जो है इस वॉल्केनो को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ रिसोर्सेस। इसके लिए मेरे पास एक बहुत मस्त प्लान है, हम जाएंगे औसान के पास। तो लेट्स गो औसान भाई। यो, अरे मेरे को आपसे बात करनी थी, मेरे को थोड़े थोड़े आइटम्स चाहिए थे, एंड आप जो है ये वेंडिंग मशीन तो बना के रखे हो, तो इसका बिजनेस का मैं तो पार्टनर हूँ, आई गेस 50% पार्टनर था नहीं मैं? यस और बढ़ा नहीं रहा मैं उससे। हाँ, अरे नहीं, बढ़ाने की बात नहीं करने आया, बात ऐसी कि मैंने तुमसे अभी तक आई गेस एक या दो बार ही लिया था इसका जो पार्टनरशिप का पेमेंट था। या, अभी कुछ वीक्स के बाकी है। 3 वीक का पेमेंट पेंडिंग है ना, तो एक काम करते हैं, मेरे को जो है कुछ सामान चाहिए था, तो उस पेमेंट के बदले तुम मेरे को ना वो सामान ला के दे दो, चलेगा ना? कोई रेयर आइटम्स नहीं है, बस ब्लॉक्स है। हाँ, बिल्ड बनाना है तो उसके अंदर कुछ टफ ब्लॉक्स, ब्लैक स्टोन, एंडेसाइट, ये सब चीजें चाहिए। काफी कॉमन ब्लॉक्स है, आई कैन डू दैट, थोड़ा बस टाइम चाहिए मेरे को। हाँ, मतलब ये सारी चीजें मैं फार्म से तो ला ही सकता हूँ इजीली, मेरे पास कुछ फार्म है तो उनका यूज कर लूंगा, थोड़े टाइम के अंदर मैं सब इकट्ठा कर लूंगा। अरे फार्म क्या, ये सारी चीज देखो ये सारी चीजें तो बस एक ही चीज से बन जाएगी, बस माइनिंग ही करना है, क्या बोलते हैं, टनल बोर्ड बना लेना, माइनिंग कर लेना, हो गया। और एंडेसाइट तो कोबलस्टोन फार्म से क्राफ्ट हो जाता है। हाँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है, मैं फिर रेडस्टोन पे काम करता हूं, बनाता हूं। टाइम तो तुम ले लो, टाइम आराम से, तुम्हारे पास एक हफ्ता टाइम है, आराम से टाइम लेके दो बस सामान। ठीक है, ये सब करने में थोड़ा टाइम मेरे को चाहिए। डन, फिर मैं मैसेज करता हूं। और सामान का बता दो, कितना सामान है, डीएम कर दो। अच्छा देखो, लिस्ट जो मैंने डीएम में भेजा हुआ है, मुझे चाहिए 3 लाख टफ ब्लॉक्स, और 3 लाख टफ ब्लॉक्स, 2 लाख एंडेसाइट एंड 1 लाख ब्लैक स्टोन। भाई साहब, ओके, मतलब थोड़ा ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल ही है, देख लो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा टाइम में अंदर हो जाएगा। हाँ, पैसे तो तुम्हें क्या और पैसे चाहिए? मेरे 3 हफ्ते का जितना पैसा बना है उसके बदले ये चलेगा ना? ठीक है, डीएक्स में सारा सामान कलेक्ट करके तुम्हें मैसेज करता हूँ, ठीक है? ओके, चलो फिर 1 हफ्ते में मिलते, चलो। तो गाइस, ये सब एक रफ एस्टिमेशन था, मैंने तो औसान को चीजें कलेक्ट करने बोल दिया है, लेकिन अभी भी बिल डिजाइन करना बाकी है, तो इसको करने में मुझे हेल्प करने वाला है फीजी, उसके साथ में इतने टाइम में डिजाइन तो कर लूंगा। बट अभी दूसरा जो टास्क है, उस टास्क को करने के लिए मुझे जो है बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव जाना पड़ सकता है गाइस, तो चलो उसमें थोड़ा काम करते हैं, मैं आपको टास्क जो है बाद में बताने वाला हूँ। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? येलो भाई फाइट कर रहे हैं भाई, आ जाओ डीएक्स भाई, फाइट करने आना है क्या भाई, फाइट करना है क्या भाई? एक सेकंड, मेरे कॉपी भाई, आप आयरन आर्मर में क्या फाइट कर रहे हो भाई? डाउन टू अर्थ हूँ इसीलिए नहीं पहनता अपने अच्छे आर्मर को।
आप बताओ दो लोग ऐसे ही फाइट करते कोई नहीं हम भी कपड़े उतार देते नहीं चट्टी नहीं उतारेंगे ओ भाई हेलो नहीं मजाक आ जाएगा मजाक भाई तुम लोग तो डाउन टू अर्थ बंदे का फायदा ले रहे हो भाई ये तो गलत बात है बताओ डीएक्स भाई क्या चल रहा है फिर आपकी तो मुझे जो है ना मुझे एक काम था आप लोगों से क्या काम भाई हम डाकू गैंग लोगों के काम नहीं करते अरे नहीं नहीं काम आप लोगों को करना नहीं मैं बस कुछ पूछने आया हूँ मतलब मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आप लोगों के पास कोई पेट वेट है कुछ यू नो वैल्यूएबल ऐसा कुछ नहीं मेरे पास सबसे वैल्यूएबल चीज ये है क्या दोस्ती चड्डी है अच्छा एक सेकंड ये चड्डी मेरे को देने का कितना लोगे बताओ भाई क्यों चाहिए आपको युग का गंदा चड्डी भाई मैंने कभी पहना नहीं है कॉपी पेस्ट चड्डी को जब से मैंने इस चड्डी को बनाया है हमेशा साफ सुथरा अपने अंडर चेस्ट में रखा है सोचा है कि जब ये मेरी चड्डी टूटेगी तो टूटने नहीं वाली पर जब टूटेगी तब मैं इसको पहनूंगा मेरी फ्रेश चड्डी थैंक यू तो गाइस ये तो बहुत इजीली मिल गया लेट्स गो बढ़ते अपने नेक्स्ट टास्क पे बाय बाय गाइस चड्डी चोरने का टैक्स मिला था क्या भाई भाई छोड़ूंगा नहीं मैं ये चड्डी के लिए भाई तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करूंगा लेट्स गो गाइस युग का वैल्यूएबल चीज हमें मिल चुका है बल्कि तेरा हेल्प चाहिए मुझे कैसा हेल्प चाहिए सुबह वो भी इतने अरे तेरे को याद है तूने मेरे को टास्क के लिए लेके गया था तो मेरे को एक टास्क मिला है मैं तेरे को अभी तो बता नहीं सकता क्या टास्क मिला है देख टास्क एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है अभी मेरे को उसका बस एक पार्ट पता है जिसमें मेरे को एक बिल्ड बनाना है एंड मैं ये बिल्ड काफी टाइम से बनाना चाहता था लाइक लिटरली लॉयल एसएमपी का सबसे बड़ा बिल्ड बनाना है मेरे को अब तक का एक सेकंड सबसे बड़ा भाई इससे भी बड़ा बनाना है क्या वो ड्रैगन से बड़ा बनाना है जो पिछले सर्वर में बनाया था ड्रैगन से बड़ा है कि नहीं वो थोड़ा मेरे को याद नहीं है क्योंकि वो पिछले एसएमपी होता है लेकिन डेफिनेट इससे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बना रहा हूँ लेकिन ना तेरा हेल्प चाहिए सुन। जिस चीज में मेरे को तेरा हेल्प चाहिए याद है तूने अपने हार्डकोर वर्ल्ड में जो है एकदम 40 मिलियन ब्लॉक्स रिमूव करे थे तो मैं तेरे को रेडस्टोन के स्टफ दे देता हूं मेरे को करके कब तक टाइम लगेगा बता चल ठीक है मेरे को सामान दे दे बनाना तो इजी है बनाने में तो वो अरे 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 रुक अभी दे रहा बल्कि ये ले सारा का सारा रेडस्टोन का सामान देख ले तेरे को जितना लग सकता है सब कुछ रख दिया मैंने इधर और भी सामान लगने वाला है बट कोई बात नहीं वो मैं ला के दे दूंगा चिंता की बात नहीं अपने पास रेड फार्म है किस चीज की जरूरत है ठीक है कहाँ बनाना बताओ मैं तेरे को कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है मैं तेरे को डीएम कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक का बनाना है Okay. तो बल्कि ने जो है एरिया क्लियर करना कर दिया था स्टार्ट एंड काफी ज्यादा एरिया क्लियर करना था क्योंकि ये बिल्ड होने वाला है बहुत ही ज्यादा बड़ा तो गाइस औसान ने मेरे को बुलाया वेंडिंग मशीन के अंदर उसने बोला कि उसके जो है स्टफ जो है वो लेके आ गया है सारे के सारे आइटम्स अंदर दिख रहा है मुझे चलो ऊपर चलते हैं औसान भाई हेलो यो डीएक्स भाई सारा सामान तुम्हारा रेडी है मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें सारा सामान दिखाता हूं हां हेलो सामान अरे 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 ओके हेलो भाई तुम्हारा पूरा सामान इसके अंदर ओ भाई अरे भाई थैंक यू सारे स्टफ कलेक्ट कर लिया ओ लेट्स गो भाई लेट्स गो चलो थैंक यू मैं ये सारा का सारा आइटम ट्रांसफर कर लूंगा एंड अपना बिल्ड भी हो जाएगा इससे मेरा जल्दी कर लेना भाई वरना कोई और आके ले जाएगा तो जब तक मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ आई वांट टू थैंक माय मेंबर्स एंड अभी करंटली हमारे पास 3 मेंबर्स है थैंक यू गाइस वेरी मच आई रियली अप्रिशिएट इट बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये मुझे ऑल्सो शाउट आउट टू फीजी जिसने मेरे को ये बिल्ड बनाने में हेल्प किया एंड शाउट आउट टू माय सेकंड चैनल डेक्स फिर उसमें वैलोरेंट आज का स्ट्रीम कर रहा हूँ बहुत जल्दी अदर गेम्स भी मैं स्ट्रीम या वीडियोज डालने वाला हूँ उस पर तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड देयर यू गो गाइस द वोल्केनो इज रेडी तो एक टास्क तो हमारा हो चुका है अभी बारी है दूसरे टास्क अरे कॉपी भाई कैसे हो बढ़िया भाई बढ़िया आप बताओ अरे मैं आपसे जो है आज एक छोटा सा यू नो कुछ क्वेश्चंस पूछने आया हूँ आपसे मैं काइंड ऑफ यू नो इधर बैठ के थोड़े बहुत सर्वे ले रहा हूँ हाँ तो अभी देख के तो आपके पास आप अच्छा आर्मर तो आप पहनते नहीं हो आपने लास्ट बार बोला था तो क्या आपके पास इस सर्वर में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज है भाई मैं तो बैंक के अंदर रहता हूँ घर भी नहीं है भाई मैं तो गरीब हूँ सर्वर का सबसे बड़ा मेरे पे तो कुछ ना है कुछ है तो दे दो मेरे को
लेकिन मेरे को ना, मेरे को देखो, मेरे को एक चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए भाई बताओ? मेरे को चाहिए आपका हार्ट। बट मेरे पे तो 5 ही हार्ट है, कैसे दूं मैं तो मर जाऊंगा। अरे 5 ही हार्ट है यार, ये तो बड़ा मुश्किल कर देता है, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए हार्ट। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अगर आपके पास कोई आर्मर वार्मर है पहन के आ जाओगे, क्योंकि मेरे को अभी हार्ट चाहिए कुछ भाई। ये हार्ट्स के पीछे कॉन्वर्सेशन क्यों फाइट की तरफ जा रहा है भाई? मेरे पे नहीं है कुछ भी, हार्ट भी नहीं है, कैसे लड़ूंगा मैं? अरे अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कोई अगर है तो बुला लो, क्योंकि मैं ऐसे मतलब बिना ऐसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। बट हाँ, मेरे को हार्ट्स तो चाहिए। अरे 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 नहीं नहीं, ये तो जाने नहीं दे सकता, सॉरी कॉपी भाई। लेकिन हमारी पुरानी दोस्ती भाई, हम साथ साथ भूल गए क्या भाई? अरे 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 कोई नहीं, देखो लड़कियां ताड़नी अपनी जगह पे, एंड इधर SMP में हार्ट शिप चाहिए तो वो अपनी जगह पे। यस भाई, मेरे को फेल दिया, बदला लिया जाएगा डीएक्स भाई। कॉपी भाई, थैंक यू फॉर योर हार्ट। अरे अरे कितना मजा आया यार, हार्ट मिल गया फाइनली, लेट्स गो गाइस, हमारा टास्क हो गया पूरा, बदला लिया जाएगा डीएक्स भाई। चलो गाइस, बाय बाय, मैं चलता हूँ, मेरे को मिल चुका है हार्ट, लेट्स गो। तो अगर आप लोग सोच रहे थे सेकंड टास्क मेरा क्या था, तो ये है मेरा सेकंड टास्क गाइस, वेलकम टू द ग्रेवयार्ड ऑफ लॉयलिज्म। एंड यस, इसको जो है मैंने ही बनाया है, एंड यहाँ पे जो है मेरे को टास्क मिला है 3 प्लेयर्स के आइटम्स को रखने का। सो मेरे पास इधर है 3 प्लेयर के आइटम्स। सबसे पहले आता है युग के पैंट्स, उसके बाद आता है गोपी के हार्ट, एंड उसके बाद आते है नॉट रेक्सी का आर्मर। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि नॉट रेक्सी का आर्मर मेरे पास कैसे आया, तो ये है तब की बात जब दो स्पॉन के बीच में फाइट चल रही थी। नॉट ट्रिक्सी की डेथ हुई थी, किसके थ्रू मुझे नहीं याद, बट हाँ नॉट ट्रिक्सी की डेथ हुई थी, तो मैंने जो है उसका आर्मर तब चिरा लिया। होप यू गाइस एंजॉय द ग्रेवयार्ड। एंड गाइस, मैंने जो है अपना टास्क कर दिया है, तो फिर मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। ओह माय गॉड, जैसे कि मैं सोच रहा था, मैंने अपना टास्क कर दिया कंप्लीट, एंड मेरे को क्योंकि 2 टास्क मिले थे जो दोनों के प्राइस थे 1.5 लाख ईच, एंड मेरे को आ चुका है 3 लाख रुपए। Oh my god guys, oh my god, and सारे के सारे असली नोट्स, let's go। And मेरे पास अभी आ चुके टोटल 7 लाख रुपए, oh my god, and that makes me the richest player in this server।